हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स थी उस डिपार्टमेंट से ही अभी की जगह वेग का वेग स्थिरांक के बारे में आप जानेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपकी जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट। तो चलिए मिलकर आज बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होता है अभी वेग का वेग स्थिरांक। तो इस पद के लिए जो दर अनुपात क्रिया नियम है, अनुपाती क्रिया नियम क्या होता है? अनुपाती क्रिया नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, इसे ही दर अनुपाती क्रिया नियम कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग इसके समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। मान लीजिए ये जो अभिक्रिया है ए, जो कि उत्पाद पी दे रहा है, ये अभिकारक है और इसकी सांद्रता मान लीजिए ए अभिकारक की सांद्रता यदि सी ए तो CN कंसंट्रेशन ए किसकी इस ए अभिकार। तो आपका अभिक्रिया का वेग का पद क्या होता है? dx अपॉन dt, जहां पर dx x सांद्रता का अवकलज है और dt t समय के साथ अवकलज है। तो dx अपॉन dt अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सांद्रता क्या है? सी ए। अब ये पद आया आपके सामने dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू सी ए। अब हम देखेंगे कि ये जो समानुपाती का साइन है इसको आपको हटाना होगा। तो हटाने पर इसके स्थान पर dx अपॉन dt इक्वल एक नियतांक का प्रयोग करेंगे के हो गया। यहाँ जो के आ रहा है ये के क्या है? ये वेग स्थिरांक है या इसको अपन वेग गुणांक भी कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। तो इनमें से कोई सा भी बोले इसका मान है ये के का है, जहां के वेग नियतांक या वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग तो यहाँ पर जो के है इसके को वेग नियतांक भी कहते हैं, वेग स्थिरांक भी कहते हैं, वेग गुणांक भी कहते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। किसको? इसके को, ये वाला जो के है। तो इनमें से कोई सभी अपन क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि इनमें से ये कोई सभी हो सकता है। अब ये तो रहा कि यदि अकेला अभिकारक हो तो उसकी सांद्रता के साथ ये संबंध, परंतु हो सकता है अभिक्रिया के अंदर एक से अधिक अभिकारक हो, तो उन एक से अधिक अभिकारकों के साथ आपका दर अनुपातिक क्रिया नियम किस प्रकार से प्रभावी होता है वो देखते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है a प्लस b
प्लस सी और यहाँ आपको उत्पाद प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट। मान लीजिए इनकी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक ए का तो स्मॉल ए है, बी का जो है स्मॉल बी है और सी का स्मॉल सी है। सी का स्मॉल सी है तो यहाँ पर विकारकों की सांद्रता जो संख्या है वो तीन हो गई या दो हो गई, यानी एक से ज्यादा हो गई। यदि एक से अधिक यदि विकारकों की सांद्रता होती है तो उस कंडीशन में इस पद को अपन इस प्रकार लिखेंगे, जिस पद को अपन वेग निर्धारक पद कहते हैं। तो भाई अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। अब प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सांद्रता, एक की सांद्रता उस सांद्रता को अपन बड़े वेग के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, b की सांद्रता। तो यहाँ पर बीच में दोनों बड़े ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुणा है, गुणनफल है, यानी अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल जो है अभिक्रिया के वेग से समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और ऐसे सी, अब बात करें यहाँ पर यदि कोई अभिक्रिया को आप संतुलित कर रहे हैं तो संतुलित करने के दौरान उस अभिक्रिया में अपने स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का प्रयोग करते हैं। अब वो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक अपन इस पद में किस रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इस पद के अंदर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सब डिपेंड करता है ए बी और सी, जो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है, ये आपके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है। अब इस पद में स्टोइकोमेट्रिक गुणांक को जो स्थिति है जहां अपन इसको रखेंगे वो कहां है, तो इसको हम हमेशा अभिकारकों की सांद्रता के घातांक के रूप में लिखते हैं। अभिकारकों की सांद्रता यानी बड़ा ब्रैकेट के घातांक, यानी a के ऊपर स्मॉल a, b के ऊपर स्मॉल b और c के ऊपर स्मॉल c, यानी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक हमेशा अभिकारकों की सांद्रता के घातांक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इन घातांकों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इन घातांकों के योग को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। इसकी क्या हो जाएगी, a प्लस b प्लस c। अब मान लीजिए ये जो पद है अब समानुपाती से लगाया आपने तो क्या जाएगा यहाँ पर dx अपॉन dt बराबर k, और इसका क्या जाएगा ऐसे कैसे उतार दो, ये a ये b समानुपाती होता है तथा जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का अभिक्रिया में प्रयोग करते हैं वो घातांकों के रूप में प्रयोग किया जाता है और घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और इस पद को dx upon dt जो कि इसका वेग निर्धारक पद है जो सबसे धीमा है, dx upon dt equal k a की पावर a b की पावर b c की पावर c। अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि जो वेग स्थिरांक है रेट कांस्टेंट है विशिष्ट अभिक्रिया वेग है इसकी परिभाषा क्या होगी, तो उसके लिए बेटा एक बिल्कुल इजी तरीका है। इजी तरीका क्या है कि अभिकारकों की सांद्रता को इकाई मान लो, तो जैसे ही कोई इकाई मानोगे आप तो k बराबर क्या आ जाएगा dx upon dt आ जाएगा, यानी यदि सांद्रता a इक्वल सांद्रता b इक्वल सांद्रता c इक्वल a को इनकी सांद्रता कितनी हो सबकी इकाई हो, तो इस कंडीशन के अंदर इनकी वैल्यू 1 जाओ रखोगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा dx upon dt equal k। तो इनका मान रखो, मान रखने पर क्या आएगा आपका dx upon dt equal
यदि अभी कारकों की सांद्रता इकाई अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग स्थिरांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग की, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई मानने पर, इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग उसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, वेग नियतांक कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है, वेग गुणांक कहलाता है, रेट ऑफ कांस्टेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने डिटेल से देखा कि अभिक्रिया का वेग और वेग नियतांक इसके मध्य क्या संबंध है, क्या इनकी परिभाषाएं हैं। तो अभिक्रिया के वेग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज